हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज जो है आप लोगों को बताने वाला हूँ 8 ऐसे लोन एप्लीकेशन जहाँ से आप लोगों ने लोन लिया है, आप लोगों के मन में सवाल है कि ये लोग क्या कर सकता है अगर पेमेंट नहीं कर पाता हूँ तो क्या क्या चीजें करने वाला है, क्या क्या चीजें हो सकता है आप लोगों के साथ, सारा कुछ जो है डिटेल वाइज आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए, पूरा देखिए बिना स्किप किए। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब बटन को प्रेस नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले इस तरीके का वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ लोन रिगार्डिंग सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों अगर आप लोग कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हो, आप लोगों को पता है क्या क्या करता है क्या क्या नहीं करता, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों के मन में कंफ्यूजन है, डरते हैं अभी भी, तो आप लोगों के मन का जो डर है वो आज जो है कंप्लीटली जो है खत्म कर दूंगा। वो आप लोगों को देखना है इस वीडियो में ही, आप लोगों को पता चलेगा 8 ऐसे लोन एप्लीकेशन NBFC जहां से आप लोग लोन लिए हो, लगभग 100% लोगों ने लोन लिया है इससे, तो आप लोग अगर नहीं चुका पाते हो या फिर क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये लोग क्या कर सकते हैं सारा कुछ जो है आप लोग डिटेल में समझा दूंगा। चलिए मैं अपने टैब के स्क्रीन पे चलता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीनशॉट्स में देखने को मिल रहा है, सबसे पहला जो लोन एप्लीकेशन का नाम है, मैं अपना कोड नहीं यूज कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है यूट्यूब का पॉलिसी, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा मैं कौन से लोन एप्लीकेशन के ऊपर बात कर रहा हूँ, उसके साइड में कोड नेम भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो नाम है सबसे पहला ये है उधार अभी लो, ये मैंने कोड नेम जो है रखा है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे अगर आप लोग इससे लोन लेते हो तो ये लोग क्या कर सकता है, सबसे पहला कॉल्स डेली 10 से 20 तो कॉल करेगा ही आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद जो है SMS जो है डेली SMS करेगा, वार्निंग SMS आएगा आपके पास, ठीक है। और लीगल नोटिस, हाँ आपके फोन पे लीगल नोटिस आएगा, आपके घर पे भी आएगा। अब यहाँ पे है एजेंट विजिट, अब एजेंट विजिट करता है या फिर नहीं, देखिए मैं यहाँ पे अभी भी मतलब श्योर नहीं हूँ कि कोई भी एजेंट विजिट किया है या फिर नहीं किया है, अभी तक मैंने सुना नहीं है, ठीक है। अब कोर्ट केस करता है, कोर्ट केस में अभी जो है कुछ दिनों से मुझे कोर्ट का समन मिल रहा है इसी का, जो ECS बाउंस हो रहा है सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग जो भी है यहाँ पे फाइल किया जा रहा है, कोर्ट सर्विस में देखने को मिल रहा है। अगर आप लोगों को इस तरीके का नोटिस मिलता है तो आप लोगों को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि कोर्ट का समन है, ठीक है, ऑनलाइन दिख रहा है, मतलब ये केस जो है कोर्ट में गया है, तो आप लोगों को यहाँ पे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। बाकी जो है यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, समन अगर रिसीव हो जाता है तो भी आप लोगों को ऑफर देगा, आप लोग ये समझ के रखो कि आपके पास अगर समन भी आता है तो आपके पास वो ऑफर देगा कि आप अभी जो है पेमेंट कर दो, ये करो तो मैं यहाँ पे केस जो है विड्रॉ कर लूंगा, ये बहुत सारा कुछ ऐसा बोलेगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों के पास जितने भी लोगों के पास जो है केस इस तरीके का हुआ है, जिन लोगों के साथ हुआ है, तो वो लोग सभी जो है इस तरीके का ऑफर लोगों को मिला है। अब आप लोगों को क्या करना है कि सेटलमेंट पे जाना है, मानो कि 10,000 का लोन है आप दे नहीं पा रहे, आप बोलोगे मैं 8,000 दे सकता हूँ या फिर 7,000 दे सकता हूँ, आप सेटलमेंट करा लो। इस तरीके का सेटलमेंट नहीं करना है, सेटलमेंट करना है तो क्या प्रॉपर वे में सेटलमेंट करना है, आपके मेल आईडी पे वो लोग भेजेगा सारा डिटेल्स, तभी आप लोगों को जो है सेटलमेंट पे जाना है, नहीं तो पैसा भी जाएगा और आपके ऊपर केस भी चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को करना है, ठीक है, तो दिमाग लगा के काम करिएगा। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है उधारी मधुमक्खी लोन है। अब उधारी मधुमक्खी लोन है आप सबको पता है लगभग 100% लोगों ने ही लिया है, 99% लोगों ने इससे लोन लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, डेली 15 से 30 कॉल आएगा, मैं लिख के बोल रहा हूँ 15 से 30 कॉल आएगा, ठीक है, सबसे ज्यादा कॉल यही करता है। SMS करेगा, डेली SMS करेगा, धमकी SMS देगा, केस फाइल कर दिया है इस तरीके का जो है लीगल SMS वगैरह भेजता रहेगा, लीगल डॉक्यूमेंट हाँ भेजेगा, आपके फोन पे भेजेगा, आपके घर पे भी आएगा। अब कहां से आएगा, केस लीगल से आएगा, सौरभ कौशिक के नाम से आएगा, ठीक है। अब एजेंट विजिट करता है, देखिए ये डिपेंड करता है आपके लोकेशन पे, लोकेशन क्या है, कहाँ पे आप लोग रहते हो, उसी जगह पे ये जा सकता है, पहुंच सकता है या फिर नहीं पहुंच सकता, ये डिपेंड करता है, ठीक है। 40-60 आप पकड़ के, मतलब पकड़ लो कि 40-60 हो सकता है, 40-60 जा सकते हैं, 60% जो है नहीं जा सकते। अब कोर्ट केस फाइल कभी नहीं सुना, कोर्ट केस अभी तक फाइल नहीं किया है ये लोगों ने। फाइनल रिजल्ट क्या है, सिविल डाउन करेगा, आप लोग टाइम लीजिए और पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि NBFC है ये, मैं हर समय में बोलूंगा कि पेमेंट करना ही है, ऐसा नहीं कि पेमेंट नहीं करना है। आप लोग फंसे हुए हैं, आप लोगों के मन में डर है क्योंकि आपके पास जॉब नहीं है, अब जॉब नहीं है तो पैसा कहां से लाएंगे, तो ये लोग टाइम नहीं देता आप लोगों को, तो टाइम नहीं देता है तो आप लोग डिप्रेशन में चले जाते हो, आप क्या होगा मैं क्या करूंगा, तो आप लोगों को डिप्रेशन में जाना नहीं है, आप लोगों को टाइम लेना है खुद से ही, उन लोगों का कोई भी बात सुनना नहीं, क्योंकि एजेंट जो है बात नहीं सुनेगा और वो लोग, उन लोगों के पास कोई टाइम देने का अथॉरिटी भी नहीं, ठीक है। तो सबसे मेन चीज यहाँ पे आप लोग टाइम दीजिए, पेमेंट कर दीजिए। अब यहाँ पे जो है क्या क्या कर सकता है, फेक पुलिस बन के कॉल करेगा आपको, कोर्ट का अमीन बन के कॉल करेगा, डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, टाइम लेके पेमेंट कर दीजिएगा, वो यहाँ पे ये सब चीजें यहाँ पे फालतू का चीजें लोग करता रहता है, लेकिन कुछ डरने की जरूरत नहीं। तीसरा जो लोन एप्लीकेशन है वो है किस्त लोन एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को 15 से 25 बार जो है हर रोज कॉल करता है, आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर जाते हो। अब SMS आएगा, डेली वार्निंग SMS आएगा, 100% वेवर का SMS आएगा, ठीक है, उससे ज्यादा कोई SMS ज्यादा किया नहीं क्योंकि मेरे पास जो है इस तरीके का SMS आता था। अब लीगल डॉक्यूमेंट्स, लीगल नोटिस भेजता है, हाँ भेजेगा, या फिर फोन पे भेजेगा, घर पे भेज भी सकता है, नहीं भी भेज सकते, 50-50 है, ठीक है। अब एजेंट विजिट करता है, विजिट्स ऑन डिपेंड्स लोकेशन, ठीक है, लोकेशन अगर आप लोगों का मान लो कि गांव के अंदर है,
प्रॉपर वे में पहुंच नहीं सकता, ठीक है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट उनको नहीं मिल रहा है, प्रॉपर एड्रेस नहीं मिल रहा है, तो नहीं जाएगा। और बाद में और एक चीज है कि लोकेशन देखेगा कि उनका ऑफिस और आपका लोकेशन अगर मानो कि 1000-2000 किलोमीटर दूर है तो कैसे पहुंचेगा। मानो कि ऑफिस जो है जम्मू कश्मीर में, आप रहते हो कन्याकुमारी में, जाएगा थोड़ी ना वहां पे, नहीं जाएगा। हाँ, हजारों ऑफिस है, उनका ब्रांचेस वगैरह है, लेकिन पहुंचने का चांसेस है कम है। तो यहाँ पे आप लोगों को किस एप्लीकेशन का भी सेम चीज है, फेक पुलिस बन के कॉल करेगा और फेक जो है कोर्ट का अमीन बन के कॉल करेगा, डराएगा धमकाएगा। डरना बिल्कुल भी नहीं है, टाइम लीजिएगा, टाइम लेके पेमेंट कर दीजिएगा। हर बार यही मैं बोलूंगा कि टाइम लीजिए, पेमेंट करिए, ठीक है। सिविल सही रहेगा, सिविल सही रहेगा तो आपका फ्यूचर भी सही रहेगा। अब मान लो कि अब जो चौथा लोन एप्लीकेशन है वो है अंगूठी लोन एप्लीकेशन। कौन सा लोन एप्लीकेशन में मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। अब कॉल्स हर रोज 10 से 20 आ रहे हैं कॉल, ठीक है। हर कोई लोन एप्लीकेशन कॉल करेगा आपको, फोन पे अगर आप लोग ये कॉल्स वगैरह आता है तो आप लोगों को उठाना नहीं है, ठीक है। आप लोगों के पास अगर आप उठाओगे तो वो एक ही बात बोलेंगे कि चोर हो, ये हो, आप ये नहीं करते हो, दूसरे को पैसा मार के बैठे हुए हो, वो सारा कुछ है वो लोग बोलेगा। ऐसा नहीं कि फर्जी लोन एप्लीकेशन से बोलते थे, ये भी लोग बोलेगा, ठीक है। लोगों के पास तो मतलब और कोई प्रोसेस तो है ही नहीं ना, ये लोग पैसा वापस कैसे ले। तो आप लोगों को डराएगा, धमकाएगा, बोलेगा ये सब चीजें, तो आप लोगों को समझ लेना है। अब SMS आएगा, डेली SMS आएगा आप लोगों के पास, धमकी वाला SMS भी मिलेगा, ठीक है। ये तो 44 लोग जो है बैठा हुआ है भर भर के। अब एजेंट विजिट करता है नहीं, सबसे पहले जो है लीगल नोटिस, लीगल नोटिस आपके घर पे जाएगा, आपके फोन पे भी आएगा, ठीक है, कि इस लीगल की तरफ से आ सकता है। अब एजेंट विजिट करेगा, डिपेंड्स ऑन योर लोकेशन, 50-50, ठीक है, मैंने बता दिया। और कोर्ट का केस अभी तक हुआ है, मैंने अभी तक सुना नहीं है किसी के पास भी कि अंगूठी लोन एप्लीकेशन किसी के ऊपर कोर्ट का केस किया है, तो कोई भी यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फाइनल रिजल्ट सिविल डाउन करेगा, टाइम लेके पेमेंट कर दीजिए। बात एक ही चीज है, सभी का लोन एप्लीकेशन के ऊपर मैं यही बात बोलूंगा कि टाइम लेके पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये फर्जी लोन एप्लीकेशन नहीं है, सिविल खराब करेगा। सिविल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के, ठीक है। अब यहाँ पे जो है टाइम लेके पेमेंट करिए, कोई भी हड़बड़ी नहीं है, आप लोगों को कोई हड़बड़ी करना नहीं है। आपके पास मानो कि 2-3 महीने बाद पेमेंट आने वाला है या फिर जॉब लगने वाला है, तो आप लोग उसी के हिसाब से आप लोग पेमेंट करना है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो पांचवा जो लोन एप्लीकेशन ये है डामी लोन एप्लीकेशन, अब आप लोगों को दिखने को मिल रहा है कि डामी लोन एप्लीकेशन कौन सा वाला है, ठीक है। तो इसमें जो है 10 से 20 कॉल तो हर रोज आएगा ही आएगा, SMS भी आएगा, धमकी SMS भी मिलेगा, ठीक है। लीगल नोटिस आएगा, उदित शर्मा लीगल की तरफ से आएगा आप लोगों के पास, लीगल SMS आपके घर पे भी आ सकते हैं, आपके फोन पे भी आएगा। अब एजेंट विजिट नहीं सुना, ठीक है। 20-80 आप लोग पकड़ के समझो आप लोग की आएगा ही नहीं, ठीक है, ये अभी तक किसी के घर पे नहीं गया है, ठीक है। अब बोल सकता है अभी वीडियो देखने के बाद कोई भी बोल सकता है कि हाँ आया था, ये आया था, हो सकता है, ठीक है। लेकिन 20%, 80% मैंने आप लोगों को परसेंटेज भी दिखा दिया कि 20%, 80%, ठीक है, मतलब ना जाने का चांस जो है सबसे। अब रिजल्ट क्या होने वाला है, ये सिविल डाउन करेगा क्योंकि NBFC है। टाइम टेक एंड रिपेयर, आप लोग अपना टाइम लीजिए और रिपेयर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम लेके रिकमेंड कर दीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, ये भी मैं बोल रहा हूँ हर एक एप्लीकेशन में टाइम लेके आप लोग रिकमेंड करिए, कोई हड़बड़ी नहीं है कि अभी आप लोगों को 12 घंटे बीच में आप लोगों को देना पड़ेगा, 10 मिनट के अंदर ही आप लोगों को पेमेंट करना होगा। ये सब चीजें जो है फालतू का चीजें, वो लोग बोलता रहेगा लेकिन सुना नहीं, ठीक है। जो 6th लोन एप्लीकेशन है वो है घर का उधार। घर का उधार आप लोगों को यहाँ पे नाम देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे कॉल्स जो है डेली जो है 10 से 20 कॉल आएगा ही, ठीक है। SMS भी आएगा, धमकी SMS आएगा, लीगल SMS आएगा, ठीक है। और लीगल नोटिस आपके घर पे भेजेगा, आपके फोन पे भी भेजेगा। और कौन से नाम पे आएगा, इनके खुद का जो है लोन, मतलब खुद के नाम से जो है आता है वो लीगल नोटिस, वहाँ पे जो है स्टैम्प वगैरह दिया होता है, अशोक कुमार के नाम से आएगा, ठीक है। और एजेंट विजिट 30-70 आप लोग मतलब समझो कि 30-70, ठीक है, मतलब सुना है कभी कभी सुना है कि हाँ आया है एजेंट, इतना भी नहीं कि हर कोई बंदा बोलता है कि भाई एजेंट आया नहीं आया, मतलब कोर्ट का केस फाइल कभी भी नहीं सुना, ठीक है। फाइनल रिजल्ट सेम चीज, सिविल डाउन करेगा और आप लोग अपना टाइम लेके आप लोग पेमेंट करो, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो 7वां लोन एप्लीकेशन है, जो 7th लोन एप्लीकेशन है, वो है छुपा हुआ पंक। आप लोग एक बात में हम लोग बोल सकते हैं छुपा हुआ पंक। अब ये लोग करता क्या है, सबसे मेन चीज, कॉल्स 20 से 25 बार करेगा, ठीक है। SMS डेली SMS करेगा आप लोगों को, 100% वेबर का SMS देगा, ठीक है। धमकी वाला SMS भी मिल जाएगा आप लोगों को देखने को। लीगल नोटिस आपके फोन पे आएगा, घर पे भी आएगा, अकारा कैपिटल के नाम से, ठीक है। अब एजेंट विजिट करता है कि नहीं, डिपेंड्स ऑन योर लोकेशन, 50-50, ठीक है। बहुत सारे लोगों के पास मैंने सुना था कि एजेंट आया है, लेकिन डरने का नहीं, एजेंट आएगा तो खा लेगा आप लोगों को, डरना क्यों है आप लोग एजेंट से, डरना बिल्कुल नहीं, ठीक है। कोर्ट केस हुआ है, अभी तक नहीं सुना किसी के ऊपर जो है केस किया, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट क्या है, सिविल डाउन करेगा, आप लोगों को टाइम लेना है और पेमेंट करना है। लेकिन ये लोग करता क्या है, 5000 का लोन 50000 का बना देगा, जो कि ये सबसे खराब चीज है, लेकिन आप लोगों को डरना नहीं है, सिर्फ आपको डराने के लिए करते हैं। जब आप पेमेंट करने जाओगे तब बोलूंगी कि आप लोगों को इस तरीके का चीजें बोलेगी, आपका 100% वेवर कर दिया है, जो भी आप लोगों का एक्स्ट्रा लगा हुआ है वो देना नहीं पड़ेगा, जो अमाउंट है वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। जो सबसे लास्ट बट नॉट द लिस्ट एप्लीकेशन है वो है कैसी लोन एप्लीकेशन, आप लोगों को नाम तो सुना ही होगा, लगभग 85% to 90% लोगों ने लोन लिया है इससे,
और कॉल्स तो डेली आएगा 10 से 12 या फिर 12 से 20 आप लोग समझ के लो, आपके पास कॉल आएगा ही, हर एक लोन एप्लीकेशन आपको फोन करेगा, ठीक है, फोन उठाना नहीं है। एसएमएस आप लोगों का जो है डेली एसएमएस आएगा 100% जो है, चवन्नी छाप एसएमएस करते हैं धमकी एसएमएस आएगा, आएगा ही आएगा 110%, ठीक है। लीगल एसएमएस, लीगल नोटिस आपके घर पे जाएगा, एडवोकेट नीलेश सर जोशी के नाम से आ सकता है, ठीक है। और भी इन लोगों के पास हजारों जो है एडवोकेट बैठा हुआ है, ठीक है, पैसा देगा तो कोई भी काम कर लेगा। अब एजेंट विजिट नहीं सुना कभी भी किसी के घर पे गया है, अब कोर्ट केस कभी नहीं सुना, ठीक है। फाइनल रिजल्ट सिविल डाउन करेगा, टेक टाइम एंड रिपेयर। अब यहाँ पे जो है सेम चीज है कि कोई भी हड़बड़ी नहीं है, आप लोगों को अपना टाइम देना है और रिपेमेंट करना है, क्योंकि सिविल अगर खराब हो जाता है तो इन फ्यूचर आप लोगों को लोन नहीं मिलेगा। सिर्फ लोन यहाँ पे ये नहीं है कि आप लोगों को जो है लोन पर्सनल कैश के हिसाब से लेना है, ये लोन नहीं है। अगर मान लो कि कोई सामान खरीदने जा रहे हो, फोन हो सकता है, बाइक हो सकता है, घर हो सकता है, कोई सामान हो सकता है, ठीक है, घर का सामान हो सकता है, फ्रीज एसी, तब क्या होगा कि सिविल डाउन होने की वजह से आप लोगों को जो है लोन अप्रूव नहीं होगा, रिजेक्शन हो जाएगा, तब आपको ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, तब आपके पास पैसा होगा लेकिन सामान खरीद नहीं पाओगे। अब एक साथ में जो है पूरा अमाउंट दे के, इतना बड़ा अमाउंट दे के कोई भी सामान खरीद नहीं सकता, ठीक है, खरीदना नहीं चाहता। लोगों को बोलेगा, बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि इतना बड़ा अमाउंट एक साथ में जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके जाएगा, एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज इसलिए जो है आप लोगों को सिविल सही रखना जरूरी है, अगर आप सिविल खराब करते हो तो ये चीज आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो सभी से यही रिक्वेस्ट है कि लोन लिए हो टाइम लेके आप लोग चुकाने का कोशिश करिए, अगर नहीं भी चुका पाते हो तो दिक्कत यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ सिविल का ही आए, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा ये लोग, ठीक है। आप लोगों को जानना ही जरूरी है क्योंकि ये लोग बिजनेस करने के लिए आए हैं, यहाँ पे आप लोगों को कोर्ट में फंसाने के लिए, आपको जेल भेजने के लिए नहीं आया है, आप लोग ये समझ रहे हैं। ये छोटा मोटा कंपनी नहीं है, ये हजारों करोड़ों रुपए का जो है मतलब कैपिटल वाला कंपनीज है, ठीक है, आप लोग समझ सकते हो। आप लोग सिर्फ 5,000 लेके उनका पैसा वापस नहीं कर रहे हो तो उन लोगों को कुछ नहीं जाएगा। एक स्विमिंग पूल से एक बल्दी पानी जो है जब निकाल लेते हो उस तरीके का चीजें हो सकती है, इसलिए ये लोग उतना एफोर्ट नहीं करते, सिर्फ आपको डराते धमकाते हैं, ठीक है। इनके पास जो है 2 नंबर की जो चीजें होते हैं चाउचा बिजनेस, ये इनसे जो है डराते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो को सही इंफॉर्मेशन मिला है, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब को प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चलते रहो भाई, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।